नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं अंकिता सिंह। बीपीएससी टीआरई 1 का परीक्षा भी हुआ, रिजल्ट भी जारी हुआ और जल्दबाजी में ही उनके जो है नियुक्ति पत्र भी मिल गया, जगह भी अलॉट कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला अब इन लोगों के पास जो समस्या आ रही है वो ये है कि 10 नवंबर से 20 नवंबर तक सरकारी छुट्टी दी गई, यानी दीपावली से छठ तक के बीच का। लेकिन इन शिक्षकों को जो नई नई नियुक्ति जिनकी हुई है उन्हें टीचर्स ट्रेनिंग में लगा दिया गया है, तो काफ़ी परेशान है क्योंकि जो छठ है वो लोक आस्था का पर्व माना जाता है और बिहार के लिए काफ़ी अहम पर्व में से एक माना जाता है। लेकिन इन पर्व के दौरान ही इन लोगों को ट्रेनिंग दे दिया गया है, तो अब करें तो करें क्या इन सारे मसले पर? टीईटी के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 1.25 लाख नवनियुक्त शिक्षकों को दीपावली और छठ जैसे पावन पर्व में, जो बिहारियों का एक गौरव है, बिहारियों की एक पहचान है छठ पूजा, वैसे पर्व त्योहार में भी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। पहले तो उन्हें ओरिएंटेशन के नाम पर 10-15 दिन अलग अलग संस्थानों, अलग अलग विद्यालयों में टैग किया गया, और अब जबकि दीपावली और छठ जैसे महान पर्व हैं, इस दौरान भी उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग करवाई जा रही है। यह समझ से परे है कि आखिर जब पूरे बिहार में विद्यालय बंद रहते हैं, 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक दीपावली और छठ की छुट्टियां हैं, ऐसे में नवनियुक्त शिक्षकों को ट्रेनिंग करवाने की क्या आवश्यकता है? ये ट्रेनिंग तो छठ पूजा के बाद भी हो सकती है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि 10 नवंबर से सभी नवनियुक्त शिक्षकों को छुट्टी दे दी जाए और वो अपने अपने घर जाके पर्व त्योहार मना सके। कुछ तो ऐसी महिलाएं हैं ट्रेनिंग में जो स्वयं छठ पूजा करती हैं, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि सर बताइए हम लोग क्या करें, छठ व्रत करें कि नौकरी करें, और इस इंडक्शन ट्रेनिंग में छुट्टी का भी कोई प्रावधान नहीं है, छुट्टी भी नहीं दी जा रही है। ऐसे में अपनी नौकरी को लेकर के बिहार की हजारों महिलाएं सशंकित हैं, और पुरुष भी, उनके घर में दीपावली होता है, छठ होता है, वो अपनी माँ के साथ पर्व त्योहार मनाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ छुट्टी नहीं दी जा रही है। एक तो इस ट्रेनिंग का कोई भत्ता या वेतन नहीं दिया जाएगा, ऊपर से छुट्टी भी नहीं दी जा रही है, छठ पूजा और दीपावली के दौरान ट्रेनिंग करवाई जा रही है, ये सब समझ से परे है। आखिर बिहार सरकार हिंदुओं के पवित्र त्योहारों पर क्यों इस तरीके से कर रही है, यह समझ में नहीं आता है। सरकार की मंशा क्या है? अगर ट्रेनिंग ही कराना है तो 10 दिन बाद भी तो ट्रेनिंग हो सकती है। दिवाली और छठ के दौरान कौन सी ट्रेनिंग पा करके वो बहुत वाहन कार्य कर लेंगे? सरकार इन सब बातों को संज्ञान ले, अन्यथा शिक्षकों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, बिना वेतन के, बिना भत्ते के ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऊपर से उन्हें दूर सुदूर इलाकों में भेज दिया गया है, जहां पे रहने की व्यवस्था नहीं है, जहां आने जाने की सुविधा नहीं है, ऐसे जगह ट्रेनिंग भेज दिया गया है। मैंने सरकार से मांग की थी कि पहले एक परमानेंट उनको पोस्टिंग दी जाए, तभी उनको सुदूर इलाकों में भेजा जाए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। 5 दिनों के लिए सुदूर इलाकों में, सुदूर देहात में भेजा जा रहा है, वहां आने जाने में कितनी समस्या हो रही है, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कम से कम दीपावली और छठ पूजा के दौरान तो ट्रेनिंग बंद होनी चाहिए, और सरकार हिंदुओं के जो पर्व त्योहार है, जो बिहारियों के आत्मगौरव और सम्मान का परिवार पर्व है छठ, उस दौरान तो कम से कम उनको छुट्टी दे और उनको अपने अपने घर जाने दे। ट्रेनिंग के नाम पर सरकार नवनियुक्त शिक्षकों को तंग करना बंद करे।